इस देश की भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे जो कहते हैं ना, चरम सीमा पे पहुंच। पहले कांग्रेस लूटती रही, कांग्रेस से सीखा सीखी ममता जी ने सीख लिया, ममता जी से केजरीवाल ने सीख लिया। ये सारे भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर हैं और कहते हैं कि हम तो स्वच्छ छवि के हैं। जो केजरीवाल आए थे कहते हैं हम तो देश की राजनीति बदलने आए, राजनीति करने हैं। आज देख लीजिए, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर हैं, ठीक है। और मनीष सिसोदिया जो कहते हैं हमारी शिक्षा तो वर्ल्ड में लोगों के न्यूज़पेपरों में आने लग गई है, ये सब झूठ और आडंबर का। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ठीक है ना। तो ये चीज, ये सारे पार्थ चटर्जी कौन थे? ममता बनर्जी के खासम खास, ठीक है। कहाँ से उनके पैसा मिल रहे? उनकी अर्पिता, उनकी फ्रेंड से उनके पैसे मिल रहे हैं। उनकी एक और फ्रेंड है जो प्रोफेसर है, उनसे पैसे मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब दुनिया भर की प्रॉपर्टियाँ इन्होंने, आम आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, इन्होंने गोदाम भरे हुए पैसों से। तो ये चीजें जो हैं इसी तरह से हमारे देश को खोखला करने की नीति है। एक तरह से नेताओं के पास करोड़ों रुपए हैं और आम आदमी के पास में खाने के लिए। बनर्जी कह रही है मोदी जी साजिश चल रहे हैं, मोदी जी खिलाफ कर रहे हैं हमारे, इसलिए हम आंदोलन करेंगे, अपने नेताओं का समर्थन कर रही है। हाँ, वो यही कहेंगे कि चोर कभी भी जब उसको बोलते हैं चोर, तो कोई ये थोड़ी ना बोलेगा मैं चोर हूँ। वो तो अपनी सफाई किसी न किसी तरह से दे नहीं है। अब केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि जी सिसोदिया तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही सत्येंद्र जैन को बोलते थे तो उन्होंने तो मोहल्ला किले तो सुंदर बना दिया। जिस तरीके से टीएमसी के बड़े नेता अनूप रथ को अब ज्यादा दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है पशु तस्करी मामले में, किस तरीके से देख रहे हैं ममता बनर्जी के एक से बाद एक बड़े नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं? अब टीएमसी का हर वो नेता, हर वो चेहरा, चाहे पीसी हो, उनका भतीजा हो, आने वाले टाइम पे वो भी जाएंगे धीरे धीरे करके, जैसे आपका दिल्ली में भी हो रहा है ना। इन्हीं का दोस्त तो है, इन्हीं का दोस्त है तो मिली भगत है, चोर चोर मसेरे भाई बोलते हैं ना। तो बात कहीं ना कहीं सच साबित होता है, दिख रहा है। और जहाँ क्या बोलूँ, बंगाल में ऐसा हालत ख़राब है, लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, दो वक्त की मच्छी चावल तो छोड़ दीजिए, दो वक्त की दाल चावल के लिए तरस रहे हैं। वहीं इनका घर का टॉयलेट से बोलते हुए भी शर्म लगता है, टॉयलेट से पैसा निकल रहा है। तो कम से कम अगर पश्चिम बंगाल के हित के लिए सोचते, कम से कम ममता बनर्जी बोले थे माँ माटी मानुष के लिए आए थे, ये इनका नारा वो था, इनका नारा माँ माटी मानुष था। आज इनका नारा खाली पैसा, भतीजा और भ्रष्टाचार, इसमें सिमट के रह गए। माँ माटी मानुष तो बहुत दूर की बात है, वो कब का वो भूल चुके हैं। माँ ही सम्मान करते हैं, ना ही माटी का सम्मान करते हैं, ना ही वहाँ का इंसान जिसको मानुष बोला जाता है बंगाली में, नहीं, इन तीनों का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो माँ का बात बोलते हैं, आप बोलने से हैरान हो जाओगे मैम, कि इनका अगर बयान उठा के देखेंगे, कभी ऐसे बयान दिया था एक महिला के प्रति ऐसे बयान दिया था कि ये लेडीज़ का जो दुष्कर्म होता है ये शॉर्ट कपड़े के वजह से होता है। ये ममता बनर्जी का बयान है, मैंने खुद नहीं दे रहा हूँ और नहीं मनगढ़ंत कोई बयान है, ये ममता बनर्जी खुद बोली थी ऑन रिकॉर्ड, अभी भी है, अगर मीडिया खंगालोगे तो पता लग जाएगा। तो ये कहाँ का माँ का सम्मान करते हैं, ना ही कोई बहन बेटी का सम्मान करते हैं, सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। आप भी पश्चिम बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक बड़े घोटाले हो रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है केंद्र सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। दीदी को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, या इनके जो अलीबाबा 40 चोर गवर्नमेंट है, अलीबाबा 40 चोर गवर्नमेंट के हर एक नेता मंत्री को बता दूं कि ना ही ईडी का डायरेक्टर और ना ही सीबीआई के डायरेक्टर नरेंद्र मोदी है, ना ही भाजपा के जेपी नड्डा जी हैं, और ना ही इनका हेड ऑफिस हमारे भाजपा का कोई कार्यालय में उपस्थित है। तो ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो बाखूबी अपना काम करने जानती है। और रही बात छापेमारी की, मैं जब आप चोरी करोगे और उल्टा सीना तान के घूमोगे, ऐसे तो चलेगा नहीं। चोरी करोगे तो आप जेल जाओगे, कोई चोरी नहीं किया तो क्यों जेल जाएगा? अगर आपने गलती नहीं की, आप तो ऐसा बात बोल रहे हो कि चोरी भी करूंगा और सीना तान के घूमेंगे। और आपने क्लियर स्पष्ट आवाज़ में आपने सुना होगा मोदी जी को 15 अगस्त के दिन के आने वाले टाइम पे ये भाई भतीजावाद से और ये भ्रष्टाचार से दूर रहने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे खुद बीजेपी से हो या कोई दूसरी पार्टी से हो। तो इनसे
जितना बचा जाए हमारे लिए भी कल्याणकारी होगा और बंगाल के लिए तो है ही। और बंगाल के जनता के आपके चैनल से माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, बंगाल की जनता जो गलती दोबारा किए हैं दोहराए हैं वो गलती तीसरी बार ना दोहराए, वरना और भी काले दिन बंगाल की जनता को देखना पड़ सकता है। बनर्जी कहती हैं भ्रष्टाचारियों का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बचाने की कोशिश कर रही हैं अपने नेताओं को जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पशु तस्करी यानी कि बांग्लादेश को बेचे जा रहे हैं, स्मगलिंग की जा रही है जानवरों। मैम इनका तो मन में ही खोट है, इनका जब सरकार आई थी ना इनका मन में कहीं ना कहीं चल रहा है बांग्लादेश 2 बनाने का साजिश, क्योंकि इनका हरकत ही उस तरह की है। ये मैं तो ये जांच करना चाहता हूं कि ममता बनर्जी के खिलाफ ये भी जांच बिठाया जाए कि उन्होंने जो हरकत कर रहा है शायद ये देश तोड़ने वाला हरकत ना हो जाए। आपने वहाँ आपको आर्मी से परेशानी है, आपने देखा होगा पिछले टाइम आर्मी में भी कैसे कैसे मतलब बात उठाए थे, आपने देखा होगा बीएसएफ के समय कैसे कैसे बात उठाए थे। तो जो सेना हमारे लिए वहाँ सीमा पे खड़े रहते हैं वो सेना के लिए उनके उनके मतलब एप्रिसिएशन के बजाय उनको गाली देना, इस तरह की सबूत मांगना, इस तरह की बहुत निंदनीय काम पे वो जुड़ चुकी हैं। और आने वाले समय पे मुझे लगता है बंगाल की जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है अभी, और आने वाले समय के शायद इनको भतीजा समेत पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे ये जो खानदानी डायनेस्टी वहाँ पे चला रही है और ये बांग्लादेश 2 बनाने का जो साजिश लेके मनी मन चल रही है। तो आने वाले समय पे मुझे लगता है ये उठा के फेंकेगी और ऐसे ऐसे इनको मजबूर बना देगी ताकि ये बंगाल की जो आज बंगाल की जनता जो रो रही है ना, मनी मन रो रही है, लोग खुल के सामने रो भी नहीं पाती है, इतना गंदी सिचुएशन बना के रखे है। और पुलिस को अपना पॉकेट का प्राइवेट कंपनी का अपना घर की चौकीदार की तरह इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पुलिस का, कि एक फोन जाए तो टीएमसी का है, पहले भी पुलिस देख देख के कार्रवाई करती है, प्राइवेट लिमिटेड पुलिस बन गई है, दीदी का अपना प्राइवेट लिमिटेड खानदानी पुलिस बन गई है। तो मुश्किलें बढ़ने वाली है टीएमसी के जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक तरफ अनुव्रत हैं तो दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी और उन पूरे मामले में भी खुलासे हो रहे हैं। मैम इनका मुश्किलें बढ़नी नहीं है, ये जो इस तरह के जो मंत्री होता है ना इनको तो फांसी दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो जहाँ एक जनता खाने के लिए तरस रही है वहाँ एक इस तरह की भ्रष्टाचारी राजनेता करोड़ों को रुपया लेके टॉयलेट में बैठा है। जहाँ क्या बोलूँ, इससे पहले आम आदमी टॉयलेट जाने के लिए शौचालय नहीं रहते हुए जहाँ क्या बोलूँ आप नदी नाला घाट इस तरह की कहीं झोपड़ी झोंकी झोपड़ी या तो फिर कहीं वन जंगलों का इस्तेमाल करता था, आज नरेंद्र मोदी का देन से हर घर शौचालय बनाने का जो काम किया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। और ये ममता बनर्जी ये जो तालिबानी माफिया ग्रुप है ये इस तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, डायनेस्टी चला रहे हैं, जो बहुत ही क्या बोलूँ जितना निंदा किया जाए ना इतना कम है। और आने वाले समय पे मुझे लगता है बंगाल की जनता इनको सबक सिखाएगी और जरूर सिखाएगी ये बात को। आप किस तरीके से देख रहे हैं ममता बनर्जी के नेताओं के ऊपर, एक तरफ सीबीआई दूसरी तरफ ईडी की जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अनुव्रत जो कि पशु तस्करी में अभी गिरफ्त में है उन्हें भी कस्टडी में भेज दिया गया, वो भी ज्यादा। देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस देश की भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे जो कहते हैं ना चरम सीमा पे, पहले कांग्रेस लूटती रही, कांग्रेस से सीखा सीखी ममता जी ने सीख लिया, ममता जी से केजरीवाल ने सीख लिया, ये सारे भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर हैं और कहते हैं कि हम तो स्वच्छ छवि के हैं। जो केजरीवाल आए थे कहते हैं हम तो देश की राजनीति बदलने आए, राजनीति करने हैं। आज देख लीजिए सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर हैं, ठीक है, और मनीष सिसोदिया जो कहते हैं हमारी शिक्षा तो वर्ल्ड में लोगों के न्यूज़पेपरों में आने लग गई है, ये सब झूठ और आडंबर का, बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, ठीक है ना। तो ये चीज, ये सारे पार्थ चटर्जी कौन थे, ममता बनर्जी के खासम खास, ठीक है, कहाँ से उनके पैसा मिल रहे, उनकी अर्पिता उनकी फ्रेंड से उनके पैसे मिल रहे हैं, उनकी एक और फ्रेंड है जो प्रोफेसर है उनसे पैसे मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब दुनिया भर की प्रॉपर्टियाँ इन्होंने, आम आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, इन्होंने गोदाम भरे हुए पैसों से। तो ये चूजे जो हैं इसी तरह से हमारे देश को खोखला करने की नीति है, एक तरह से नेताओं के पास करोड़ों रुपए हैं और आम आदमी के पास में खाने के लिए। बनर्जी कह रही है मोदी जी साजिश चल रहे हैं, मोदी जी खिलाफ कर रहे हैं हमारे, इसलिए हम आंदोलन करेंगे, अपने नेताओं का समर्थन कर रही है।
हाँ वो यही कहेंगे कि चोर कभी भी जब उसको बोलते हैं चोर तो कोई ये थोड़ी ना बोलेगा मैं चोर हूँ, वो तो अपनी सफाई किसी न किसी तरह से दे नहीं है। अब केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि जी सिसोदिया तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही सत्येंद्र जैन को बोलते थे तो उन्होंने तो मोहल्ला क्लीनिक तो सुंदर बना दिए,